मेरे परिवारजनों, जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, भाजपा सरकार उनकी सूद ले रही है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के हमारे भाई बहन रहते हैं। ऐसी पिछड़ी जनजातियों के लिए पहले की सरकारों को कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन ये मोदी हैं, कहीं पर भी बैठा हो, हिंदुस्तान के किसी कोने के दर्द का पता चले ना तो दवाई ढूंढ करके आ जाता है। और भाजपा सरकार ने विशेष मिशन की घोषणा की है, इन जनजातियों के विकास पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने इतने दशकों तक देश में शासन किया, कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों की सबसे अधिक उपेक्षा की। जब कभी सुविधाओं की बात आती थी तो कांग्रेस कहती थी कि आदिवासी गांवों को सबसे अंत में रखा जाए। कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल तक के लिए तरसाया। आप हैरान होंगे कैसे चलाते थे। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक बार आदिवासी क्षेत्र में प्रवास चल रहा था, तो लोगों ने मुझे कहा कि ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आदिवासी, अमर सिंह भाई चौधरी, बोले ये उनका गांव है। मैंने कहा अच्छा, ये उनका गांव है। फिर मैंने कहा क्या है विशेषता, बोले साहब ये टंकी है ना, टंकी पानी की, अमर सिंह भाई थे तो टंकी तो बनी लेकिन अभी तक एक बार भी भरी नहीं है, परवाह ही नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो उस टंकी को पानी से भरने का काम मैंने किया था। भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ एक परिवार का ही गुणगान किया, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी उचित स्थान नहीं दिया। अब कांग्रेस की गलतियां भी भाजपा ही सुधार रही है। जनजातीय नायक टंटिया मामा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, उनको उचित सम्मान भाजपा सरकार ने दिया है। कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा, ये भी भाजपा सरकार की पहल है। आज पूरे देश में आदिवासी योगदान को स्थापित करने वाले अनेक स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाखों साथियों को पेशा का लाभ भी मिला है, लगभग 3 लाख परिवारों को वन अधिकार का पट्टा मिला है। ये दिखाता है कि भाजपा आदिवासी सशक्तिकरण के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।